कमिटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं, और किस जगह पे बिठाना, कैसे बोलना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटी एंड रूल के जैसा, कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर जी, इट हैपेंड, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। ये खड़गे जी, व्हाट इज इट, कम ऑन, कम ऑन, मेक योर पॉइंट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, नथिंग एज यू गोइंग टू ये क्लियरली कंटिन्यू सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं, उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए। ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस, व्हेन लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर, गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन एक, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे You are forcing me to name you people. I have given him permission. And let me tell you. One second. Please take your seat. Sir. Kiranji, take your seat. Honorable members, when there is a debate in the house, the debate has to be lively. The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second. You don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiranji. Kiran Rijuji. Honorable Chairman, sir. Abhi, Mananiya Kharge ji, leader of opposition ne sansad mein jo statues ko, sara statues ko ek jagah mein rakh karke, prerna asthal ke naam se jo banaya gaya, usko lekar ke sawal khada kiya. Main sirf clarification dena chahta hu. Sir, aapne abhi house ko bataya ki aap चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया, उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ, मैं भी सर उस समय मौजूद था। नहीं, सबसे पहले तो खड़गे, एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया, वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया, और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं, तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा, हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं, बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। सर देखिए, प्लीज योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप, आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए, और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें एक सेकेंड, देर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट। If you look at the building of parliament, it has been so designed that there is no back door entry. ठीक है, देखिए देखिए, रिजू साहब जो बोले, मैं उनसे विनती करता हूँ कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोर्शन, आप जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप